हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास एट की एंगेजिंग इंग्लिश बुक जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हिलारियस पोम द नेम ऑफ द पोम इज एन ओड बेसिकली ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ना दिस इज योर नाइन्थ चैप्टर एंड इट हैज़ बीन रिटन बाई थॉमस ग्रे थॉमस ग्रे की जो पोम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है फिलासफिकल होती हैं या इट इज डिफाइनिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइफ या वो आपको लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रीचिंग देते हैं लेकिन इनकी पोम की एक खास ये बात होती है कि दे आर वेरी इंटरक्टिव और आपको उसमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में सो यू विल फाइंड दिस पोम लिटरली इंटरेस्टिंग ना वट इज एन ओल्ड एज वी स्टार्ट दिस पोम द नेम द टाइटल ऑफ द पोम इज ओल्ड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट ओड का मतलब होता है इट्स लाइक अ पोम अच वॉज टू बी संग इट्स इन पैटर्न दैट इट वॉज एक्चुअली टू बी संग सो ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट सो बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल सिचुएशन सो हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे नाउ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट दिस इज क्वाइट अ लेंदी पोम येस तो पहले हम पोइट के बारे में जानेंगे एंड देन वंस वी स्टार्ट अम में स्टैंडा बाय स्टैंडा आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी एंड वील ऑल्सो डू अ समरी लेकिन इससे क्या होगा अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे बिकॉज हर पर्टिकुलर स्टैंडा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा सो लेट्स बिगिन बाय नोइंग थॉमस ग्रे Nine, 1716 to 1771 was an English poet who is best known for his poem, Elegy Written in a Country Churchyard. His poetry dealt with philosophical reflections of life, death, and the value of human action. So, some, Thomas Gray was an English poet, and like the best poem was what? Elegy Written in a Country Churchyard. Also, his poetry was. उसमें यूजुअली क्या चीजें रहती हैं फिलोसोफिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ डेथ एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एक्शंस डेथ एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एक्शंस मतलब जो ह्यूमन human की लाइफ के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ एंड डेथ उससे रिलेटेड काफी सारी पोम्स लिखी है इन्होंने नाउ दिस पोम इज अबाउट द ट्रू इंसिडेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ ग्रेज फ्रेंड्स कैट सो वंस ग्रे वॉज आउट टू अ फ्रेंड्स प्लेस फॉर डिनर एंड वहां पे जो उनके फ्रेंड की कैट थी उसकी डेथ हो गई एक इंसिडेंट हुआ उसमें उसकी डेथ हो गई द पोम यूज द सीरियस लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ एन ओड टू लाफ एट द एक्सेसिव इंपॉर्टेंस गिवन टू अ पेट यहाँ पे जो पोम है ये एक बहुत ही सीरियस लैंग्वेज यूज़ कर रही है जो स्टाइल उसका है एक्जैक्टली ऐसा है जैसे आप कोई ओड लिख रहे हो मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है या कहीं कोई बहुत डिफिकल्ट फेस आता है तो उसमें आप किसी को अच्छा फील कराने के लिए या किसी के किसी को डेडिकेट करते हुए आप जब एक पोम लिखते हो तो उसे ओड कहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एकदम ओड के स्टाइल में ही लिखा है टू लाफ एट दैट को इतना ज्यादा सीरियसनेस दे रहे हो लेकिन देते हैं लोग इन डूइंग सो इट ऑल्सो जेंटली मेक्स फन ऑफ द पोएट फेलोमैन एंड वुमेन तो यहां पर जब वो इस पोम को लिख रहे हैं इन अ वे ही इज ऑल्सो मेकिंग फन ऑफ द पोएट फेलोमैन एंड वुमेन ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पोम नाउ सोज ऑन अ लॉफ्टी वॉज अ साइड Where China's gayest art had died. The azure flowers that blow, demurest of the tabby kind. The pensive Selima reclined, gazed on the lake below. Now we will first understand each and every line, then we will understand it together. It was on a lofty a side. Now, where this cat. ओके दिस कैट इज टॉकिंग अबाउट इट उसने क्या बोल रही है वहां पे लॉफ्टी मतलब जैसे टॉल वाज एक बहुत बड़ा सा वाज है उसके साइड में है वो हुआ चाइनाज गेस्ट आर्ट मतलब जहां पे जो वो वाज है उसमें जो है चाइना का जो गेस्ट मतलब हैपीएस्ट आर्ट किया हुआ है सो देर इज लाइक दिस आर्ट जिसमें फूल पत्ती बने होते हैं और वो आर्ट से वो डेकोरेटेड है द अज्योर फ्लावर्स दैट ब्लू अज्योर का मतलब ब्लू उसमें ब्लू फ्लावर्स बने हैं जो ब्लो कर रहे हैं डेम्योरिस्ट ऑफ द टैबी काइंड टेबी मतलब मोस्ट शाई एंड टैबी का मतलब होता है जहाँ पे अग्रे और ब्राउनिश कैट मोटल्ड और स्ट्रीक्ड विथ डार्क स्ट्राइप्स सो so, एक ग्रे या ब्राउनिश कैट है जिसमें स्ट्राइप्स बने हुए हैं जैसे कि टाइगर के बने होते हैं उसको बोलते हैं टैबी द पेंसिव दलिमाइंड नाउ द मीनिंग ऑफ पेंसिव इज थॉटफुल जो थॉटफुल सेलिमा है सेलिमा इज द नेम ऑफ द कैट हियर इट रिक्लाइंड मतलब वो अपने थॉट्स में है गेज्ड ऑन द लेक बिलो एंड शी गेज्ड ऑन द लेक बिलो अब यहाँ कोई लेक नहीं है यहां पे एक बोल है जिसमें पानी भरा हुआ है उसको वो लेक से कंपेयर किया जा रहा है सो so अब अब जो है पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देखो दर इज अ फीमेल कैट द नेम ऑफ सेलिमा जिसका नाम क्या है सेलिमा सैट लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल वेसल क्या बोला उसने ऑन अ लॉफ्टी वर्सेज साइड तो वो ऐसे जो है टिक के कहां पे बैठी हुई है अगेंस्ट अ टॉल वर्स साइड टॉल वेसल दैट हैड बीन पेंटेड रिचली एंड ब्राइटली बाई अ चाइनीज क्राफ्ट मैन विथ ब्ल्यू कलर्ड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन इट तो ये जो लिखा हुआ विथ चाइनाज गेस्ट आर्ट है चाइना का गेस्ट आर्ट है मतलब वो जो वाज है जिससे वो टिकी हुई है उस पर जो है चाइना का हैपीएस्ट आर्ट एक बहुत ब्यूटिफुल आर्ट है जिसमें जो है ब्ल्यू फ्लावर्स पूरे बनाए गए हैं उससे वो टिकी हुई है सलीमा इन अ वॉजफुल मूड यहाँ जो लिखा हुआ है दैट द पेंसिव सलीमा पेंसिव सलीमा मतलब इस वक्त उसका मूड कैसा है थॉटफुल सो दॉटफुल मूड एंड इन दैट मूड शी सेट और उस मूड में वो बैठी हुई है गेजिंग एट द वॉटर इन द लार्ज वेसिल विच द शेप ऑफ अ वज अब यहाँ पे गेस्ट एट द लेक बिलो लेक का मतलब क्या है यहाँ पे ये जो एक बड़ा सा वास दिख रहा है जिसका शेप किस तरीके मतलब बेसिकली एक पॉट है जिसका शेप एक वाज की तरह है और उसके अंदर का जो पानी है उसको वो एक लेक की तरह कह रही है ओके सो हियर गेजिंग एट द वॉटर इन द लार्ज वेसल यह है एक लार्ज वेसल जो पीछे हमने दिखाया था विच हैट द शेप ऑफ अ वो एज ऑफ नाउ वट डिड यू अंडरस्टैंड दैट सेलिमा हु सेलिमा सेलिमा इज अ कैट सेलिमा इज सिटिंग एंड शी इज रेस्टिंग वेल ऑन द टॉल वाज जिसमें चाइनीज आर्ट किया हुआ है विच हैज ब्लू फ्लॉर्स राइट नाउ शी इज एन अटफुल मोड औरुल मोड में होके वो क्या देख रही है एक पास में वैस, है, जिसमें पानी भरा हुआ है जो उसको एक वाज की तरह लग रहा है कॉन्शियस टेल ह जॉय डिक फेयर राउंड फेस द स्नो बेड द वेलवेट ऑफ अ पाउस कोड दैट विदो इज वाइज her ears of jet and emerald eyes she saw and poured applause now here her conscious tail her joy declared conscious ka matlab alert you will see this that whenever you will go near the gate the first thing that twitches सबसे पहले जो हरकत होती है वो उनकी टेल में होती है बिकॉज उनकी जो टेल होती है वो बहुत अलर्ट होती है वो बहुत कॉन्शियस होती है वो सबसे पहले देख समझ लेती हैं कि कोई आसपास है क्या सो so, उसकी जो कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लेयर मतलब इट वॉज एविडेंट डेट शी वॉज वेरी हैप्पी द फेयर राउंड फेस नाउ ये कैट का अपेरेंस बता रहे हैं तो कैसा है उसका फेयर राउंड फेस है स्नोई बियर्ड है स्नोई बियर्ड उसके हैं यहाँ पे पूरे व्हाइट कलर का है द वेलविट ऑफ अ पॉज उसके जो पॉज है पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट है वेलविट की तरह हर कोट दैट विद द टोटोज वॉइस वॉइस हर कोट विद द टोटोज वॉइस वॉइस का मतलब क्या होता है कम्पलीट कम्प्लीट ईगली विद समर टू डू और अचीव समथिंग मतलब उसकी जो कोट था उसकी जो बॉडी थी वो इतनी हार्ड थी कि आप जो हो उसको से कंपेयर सक, कर सकते हो की स्किन से कंपेयर कर सकते हो हर ऑफ जेट उसके कैसे थे एकदम जेट ब्लैक एंड आईज उसकी आंखें कैसी थी ग्रीन कलर की शी सॉ एंड पर्ड प्लॉस शी सॉ एंड पर्ड प्लॉस पर्ड का मतलब क्या होता है मेक अ लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी सॉन्ग एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट तो उसने देखा उस बोल को और शी वाज लाइक टोटली कंटेंट पर्ड अप्लाज मतलब शी वाज हैप्पी अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सलीमास टेल्स स्वेट फ्रॉम साइड टू साइड इंडिकेटिंग दैट शी वाज क्वाइट हैप्पी तो ये जो लिखा हुआ है हर कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लेयर कैसे उसकी जो टेल थी वो उसके जॉय को डिक्लेयर कर रही थी बाय स्वेइंग इट साइड बाय साइड यू मस्ट हैव सीन कोई भी जो पेट होते हैं स्पेशली जो डॉग्स होते हैं और कैट होते हैं दे मूव देयर टेल व्हेन दे आर वेरी हैप्पी सो शी वाज स्विइिंग हर टेल लाइक टू एंड फ्लो व्हाई बिकॉज शी वांटेड टू शो दैट शी वाज वेरी हैप्पी देन दिस कैट हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन दिस कैट दिस कैट हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन राउंड फेस उनका कैसा फेस था फेयर कॉम्प्लेक्शन राउंड फेस था शी हैड अ परफेक्टली वाइट बियर्ड ऑफ विस्कर्स बेसिकली बियर्ड की बात जो हो रही है जो यहाँ पे जो विस्कर्स होते हैं कैट के हम उसकी बात कर रहे हैं शी हैड पॉज दैट वर एज सॉफ्ट एंड स्मूद एज वेलवेट और उसके जो पॉज़ थे वो कितने सॉफ्ट थे एकदम वेलवेट जितने सॉफ्ट थे शी हार्ड थिक एंड हार्ड स्किन दैट सेम टू कम्पीट विद द हार्ड एंड थिक स्किन ऑफ अ टोटोइज उसकी स्किन इतनी हार्ड और थिक थी ऐसा लग रहा था कि वो जो है टॉर्टोइस की जो हार्ड स्किन होती है उससे कम्पीट कर सकती है हर ईयर्स वो परफेक्टली ब्लैक एंड हर आईज वो ग्रीन एंड कलर उसके ईयर्स कैसे थे ब्लैक कलर के थे उसकी आईज जो थी एमरल्ड ग्रीन कलर की थी शी लुक डेट द वॉटर इन द वर्स एंड मोम हर अप्रूवल ऑफ इट्स प्रेजेंस थे बेसिकली शी लुक डेट हर सेल्फ इन द वॉटर इन द वर्स एंड शी अप्रूव डेट येस आई एम सो ब्यूटिफुल सो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट स्टिली गेज्ड But midst the tide, two beauteous forms were seen to glide, The, geni the genii of the stream, their scaly armour's Tyrian hue, Through richest purple to the view, betrayed a golden gleam. Now here they say, that still she had, she gazed, स्टिल हैड शी गेस्ट का मतलब क्या है सलीमा वुड हैव कंटिन्यू टू स्टेर एट द वॉटर सो शी वॉज एडमायरिंग हर ओन ब्यूटी सलीमा वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ लुकिंग एट हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज एंड शी वॉज एडमायरिंग हर ओन ब्यूटी एंड शी वु हैव कंटिन्यू टू डू दैट वो अपने आप को निहालती रहती स्टिल हैड शी गेस्ट मतलब स्टिल वो करती रहती बट मिट्स दाइल्ड इन द मिडल ऑफ द टाइड नाउ यहाँ पे जो ये टाइड है दिस इज नथिंग बट वाटर सो इफ यू विल सीज पोम में वॉटर को लेक भी कहा गया है टाइड कहा गया है गल्फ कहा गया है अलग अलग वर्ड से उन्होंने उसको बोला है सो स्टिल हैड शी गेज बट मिड्स द टाइड मतलब उस पानी के बीच में टू ब्यूटियस फॉर्म्स व सीन टू ग्लाइड शी सॉ टू ब्यूटिफुल फॉर्म जो ग्लाइड कर रहे थे मतलब पानी में मूव कर रहे थे द जनाय ऑफ द स्ट्रीम अब यहाँ पे अब पानी को क्या बोला गया है स्ट्रीम बोला गया है जनाय क्या होता है जनाय इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनी जीनी क्या करता है वो एक तरीके से जो है गुड और इवल जो चीज़ें होती हैं उनको uh, मतलब आपकी विशेष को पूरी करता है एंड इट्स वेरी पावरफुल टू मच ऑफ स्ट्रेंथ इट कैन डू एनी थिंग सो यहाँ ऐसा लग रहा था कि जो वो दो ब्यूटियस क्रिएटर्स हैं वो पूरा पानी उन्हीं का है एंड दे हैव द राइट टू जस्ट मूव अराउंड एनी वेयर द स्केली आम स्टीरियंस यू उनका जो स्केली मतलब जो उनकी जो स्किन थी वो जो स्केल्स बने हुए थे वो एक प्रोटेक्शन की तरह थे मतलब देवर हार्ड एंड वर लाइक अ आर्मर मतलब जैसे क्या होता है जो सोल्जर्स होते हैं सोल्जर्स जब किसी फाइट के लिए जाते हैं तो वो आर्मर पहनते हैं आर्मर क्या होता है जो वो लोग आयरन की जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन पहनते हैं आयरन का वेस्ट वेस्ट पहनते हैं और उन लोगों के पास शील्ड होती है तो देखा है पूरे शोल्डर्स सब कुछ कवर होते हैं ताकि कोई मारे अगर तलवार से भी मारे तो लोहे पर लगे सो इट वॉज लाइक इन आमा दैट वॉज इन टीरियन यू कलर टीरियन इज लाइक अ ग्रीक गॉड और उसमें यू मतलब कलर तो यहाँ पे टीरियन यू मतलब जो एक पर्पल कलर होता है वो उसकी बात कर रहे हैं थ्रू रिचेस्ट पर्पल टू दू मतलब उसकी जो स्किन थी उसमें से पर्पल स्केल्स बने हुए थे बी ट्रेड अ गोल्डन ग्लीम और वो खुद पूरी कौन से कलर की थी गोल्डन कलर की थी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेलिमा would have continued टू स्टेर एट द water इफ़ शी हैड नॉट ऑब्जर्व टू beautiful फिगर्स मूविंग अबाउट effortlessly इन द water. वो अपने आप को देखती ही रहती लेकिन तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ी दो ब्यूटिफुल क्रिएचर्स पे जो कि पानी में फ्रीली फ्लो कर रहे थे दीज फिगर्स सीम टू बी इन चार्ज ऑफ दिस वाटर जो जिनाय कहा गया है जीनी मतलब ऐसा लग रहा था वो वाटर जो है उस पर उसको, पे उसको पे चार्ज कर रहे हैं मतलब उस पर जो है पूरा अधिकार है उनका

रॉयल पर्पल कलर का जो आपको क्या याद दिलाता है वो आपको याद दिलाता है कि किस तरीके से रिच कलर्स बनाए जाते थे इन ऑन द आइलैंड ऑफ टायर टायर के आइलैंड में कैसे रिच कलर्स बनाए जाते थे तो इसको देख के आपको उसकी याद आ रही है फिश बी ट्रेड द रियल आइडेंटिटी टू सलेमा अब ये जो रिच गोल्डन कलर था फिश का उसने सलेमा से उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी छुपा ली द with wonder saw a whisker first and then a claw with many an ardent wish she stretched in vain to reach the prize what female heart can gold despise what cats everst to fish now the hapless nymph with wonder saw hapless का मतलब होता है unfortunate और nymph का मतलब क्या होता है ग्रीक माइथोलॉजी में जो फीमेल डिविनिटीज होते हैं फीमेल गॉड्स जो होते हैं उन्हें nymph कहा जाता है द हैपलेस मतलब ये जो अनफॉर्चुनेट फीमेल गॉड किसको कहा गया है कहा गया है कैट को कैट को एक फीमेल डिविनिटी से कंपेयर किया गया है तो ये जो अनफॉर्चुनेट फीमेल गॉड है विथ वंडर सो इसने बहुत वंडर के साथ क्या देखा अब विस्कर फर्स्ट एंड देन अ क्लॉ तो उसने बहुत वंडर के साथ उस बोल को देखा उन गोल्डन फिश को देखा और उसके बाद शी ट्राइड टू कैच इट उसके लिए पहले उसने अपना विस्कर अंदर किया और अपना फिर क्लॉ अंदर किया with many an ardent wish ardent का मतलब क्या होता है स्ट्रांग ardent का मतलब होता है स्ट्रांग मतलब उसकी स्ट्रांग विश क्या थी दैट शी वांटेड टू कैच द फिश शी स्ट्रेच्ड इन वेन टू रीच द प्राइस अब उसने बहुत स्ट्रेच किया कि वो नीचे चले जाए प्राइस क्या है यहाँ पे उसके लिए प्राइस है गोल्ड फिश तो उसने अपने हाथ को बहुत स्ट्रेच किया कि वो जो है उस गोल्ड फिश को कैच कर ले लेकिन ऐसा नहीं हो पाया वट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड despise? कौन सी ऐसी औरत है जिसको गोल्ड अच्छा नहीं लगता डिस्पाइस का मतलब क्या होता है डिस्पाइस मतलब फील हेट इज़ देर एनी वन हेट्स गोल्ड एनी फीमेल जिसको आप गोल्ड का कुछ गिफ्ट करके बोलेगी छी ये क्या गिफ्ट कर दिया नहीं तो जिस तरीके से एक जो फीमेल होती है वो गोल्ड को देख के टेम्प्ट जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती उसी तरीके से उसी तरीके से जो एक कैट होती है वो फिश को देख के अपने आप को रोक नहीं पाती वाट कैट एवर्स टू फिश एवर्स का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक कौन सी ऐसी कैट होगी जो फिश को हेट करेगी अब ये दोनों रिटोरिकल क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें आप दो मतलब आप कोई क्वेश्चन करते हो बट यू डोंट वॉन्ट एन आंसर आप बस रियश्योर करने के लिए कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द अनफॉर्चुनेट कैट लुक डेट देम विथ वंडर अनफॉर्चुनेट कैट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है तो वो जो है वो दोनों फिश को बहुत वंडर के साथ देखती है द फिश इन द वज वॉज द डिलीशियस फूड दैट सलीमा नाउ वॉन्टेड टू इट उसकी हार्ट का डिज़ायर क्या था दैट अब वो जो फिश है उसको सलीमा खाना चाहती है शी स्ट्रेस फर्स्ट अस्कर एंड देनो उसने अपना फेस थोड़ा घुसाया उसने अपना हैंड अंदर किया विथ मेनी ईगर विशेष टू वर्ड्स द वॉटर इन ऑर्डर टू कैच द फिश बहुत सारी विशेष के साथ उसने पानी में अपना हाथ और विस्कर घुसाया सो दैट शी कुश बट ऑल हर एफर्ट्स प्रूवड फ्यूटाइल लेकिन उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट चले गए शी वॉज नॉट एबल टू कैच नो वुमेन इन दिस वर्ल्ड कैन होल्ड गोल्ड इन कॉन्टेम लुक एट गोल्ड स्कॉनफुली कोई वुमेन ऐसी नहीं है जो गोल्ड को हेट करे या उसकी तरफ बहुत ही हेटरेट के साथ देखे इन द सेम वे नो कैट इन दिस वर्ल्ड कैन रिमेन इनडिफरेंट टू द प्रेजेंस ऑफ फिश नियर हर इसी तरीके से कोई भी जो कैट है वो फिश को देख के इनडिफरेंट नहीं हो सकती इफ शी हैी वॉन्ट्स टू ईट प्रिजम्शियस मेड With looks intent, again she stretched, again she bent. no knew the gulf between. malignant fate sat by and smiled. The slippery words her feet beguiled. She tumbled headlong in. So presumptuous maid, ये जो overconfident maid थी कौन? Cat की बात कर रहे हम। ये जो overconfident थी उसको लगा था अरे खुश नहीं होता, मैं तो बस थोड़ा सा और stretch करूँगी ना I will be able to get the fish. With looks intent, intent मतलब एक पर्पसफुल जो होता है कि मेरा ये पर्पस है ये मेरा गोल है उसको बोलते हैं इंटेंट लुक्स अगेन शी स्ट्रेच अगेन शी बेंट फिर उसने अपना विस्कर अंदर डाला फिर उसने अपना क्लॉ डाला और उसने बेंड किया अंदर नो न्यू द गल्फ बिटवीन लेकिन उसने जो है यहाँ पे जो गल्फ है यहाँ पे गल्फ क्या होता है गल्फ मतलब बहुत बड़ा वाटर रिजर्व रिजर्व बहुत बड़ा जो है पानी का एक पर्टिकुलर रिजर्व ऑयल तो उसने भूल गई वो कि भाई मेरे और उन गोल्ड फिश के बीच में इतना सारा पानी है मेलिग्नेंट फेट सेट बाय एंड स्माइल्ड मेलिग्नेंट मतलब समवन हु वांट्स टू कॉज हार्म तो यहाँ जो उसकी जो किस्मत थी वो बैठ के मुस्कुरा रही थी द स्लिपरी वर्ज हर फीट बिगॉल्ड द स्लिपरी वर्ज अब यहाँ पर क्या हुआ वर्ज मतलब क्या होता है एज स्लिप स्लिपरी वर्ज मतलब एज तो ये जो इसका जो एज था ये जो पॉट है वेसल है इसका जो एज था वो स्लिपरी था क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ था और वो गीला था क्योंकि वो बार बार अपने हैंड्स अंदर कर रही थी तो वो जो स्लिपरी वर्ज था हर फीट बिगोइल्ड बिगॉल्ड मतलब ट्रिक्ड उसके जो फीट थे उसने ट्रिक किया एंड वॉट हैपन शी टम्बल्ड हेड लॉन्ग इन और हेड फर्स्ट एंड देन शी वेंट इन साइड सलीमा बी एन फिडेंट फीमेल कैट सलीमा जो थी ओवर कॉन्फिडेंट फीमेल कैट निकली विद आईज लुकिंग एट द फिश फिक्सडली एंड पर्पजफुलिस उसकी आंखें जो थी वो सिर्फ फिश को देख रही थी कंटिन्यूसली पर्पसफुली शी वंस अगेन स्ट्रेस्ट एंड अ क्लॉ

सलीमा को धोखा दिया ये ब्रिम ने ब्रिम मतलब क्या होता है कोई भी जो वसल होता है उसका जो ऊपर का एज होता है उसे कहते हैं ब्रिम उसको उसने धोखा दिया एंड लूजिंग हर ग्रिप अपॉन द ब्रिम और उसने ब्रिम में अपना जो पूरा जो उसका जो पोस्चर होता है वो उसने उसका डिसबैलेंस हुआ एंड शी फेल हेड फर्स्ट इंटू द वॉटर और वो पानी में गिर गई सबसे पहले उसका सर गया क्योंकि वो ऐसे करके स्लिप हुई तो उसका पहले सर गया पानी में उसके बाद उसकी पूरी बॉडी चली गई Eight times emerging from the flood, she mewed to every watery god, some speedy aid to send. No dolphin came, no narrator stirred, nor cruel Tom, nor Susan heard. A favorite has no friend. Now, eight times emerging from the flood, a उस पानी को जो बोल में जो पानी रखा हुआ है अब उसको उसने फ्लड बोला है क्यों क्योंकि वो उसमें बहे जा रही थी वो उसमें डूब रही थी तो एट टाइम्स उसने कोशिश करी कि वो खड़ी हो जाए और उससे बाहर आ जाए शी म्यूट टू एवरी वॉटरी गॉड उसने हर वॉटरी गॉड से प्रे किया सम स्पीडी एट टू सेंड कि कुछ भी करो और मुझे बचाने के लिए कोई को भेज दो नो डॉल्फिन कैम्प कोई डॉल्फिन नहीं आई नो नरे स्टर्ड मतलब कोई नरिट भी नहीं आया नरिट क्या होते थे उस टाइम पे मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब सेलर्स जो है फंस जाते थे तो उनके लिए जो है सी गॉड्स आते थे ग्रीक गॉड्स आते थे नेरिट करके जो वाटर गॉड्स होते थे और वो उनको सेव कर लेते थे सो शी प्रेड टू एवरीबडी नो क्रूवल टॉम नो सूजन हर्ड अब यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि टॉम और सूजन कौन है

किसी ने बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दिया बिकॉज लोगों को लगा हाँ चलो अच्छा है वैसे भी इसको बहुत प्यार करते हैं ओके सो एट टाइम्स शी रोज टू द सर्फेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द दॉ आठ बार उसने कोशिश करी उठने की अटलिंग क्राइज ऑफ डिस्ट्रेस एंड प्रेइंग टू एवरी गॉड ऑफ वाटर टू सेंड हर सम हेल्प विदाउट एनी ढीले उसने खूब आवाजें देने की कोशिश करी और उसने हर तरीके के सी मतलब वाटर गॉड से प्रे किया कि मेरे को किसी भी तरीके की मदद भेज दो तो. But no marine animal such as dolphin and no water spirit such as Nereid came to her rescue. lekin na koi uh, jo hai dolphin aaya uski help ke liye na Nereid aaya Neither the male cat Tom nor the female cat Susan heard her cries. तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं चलो मान लो कि वो जो है cats हैं तो इनमें से भी कोई नहीं सुना नहीं. Tom proved to be cruel by his indifference. टॉम जो था वो उसने जो जितना इंडिफरेंट था उससे लगा कि वो बहुत क्रूअल है द फैक्ट इज दैट सलीमा वॉज द फेवरेट ऑफ हर ओनर्स फैक्ट इज़ कि सलीमा जो थी अपने ओनर्स की फेवरेट थी एंड अ फेवरेट हैज़ नो फ्रेंड और जिसको जो ओनर की फेवरेट है बाकी लोग तो उससे जेलस हो ही जाएंगे इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि अ फेवरेट हैज नो फ्रेंड फ्रॉम हेंस ये ब्यूटीज अंडसीव्ड नो वन वन फर्स्ट स्टेप इज नेवर रिट्रीव्ड And be with caution bold. Not all that tempts your wandering eyes and heedless hearts is lawful prize. Not all that glitters is gold. सर आप वहाँ पे क्या बोलते हैं कि फ्राम हैंस अब से ये ब्यूटीज मतलब तुम सब लोगों को याद रखना है अनडिसीव मतलब जो है मैं एक आइडिया बता रहा हूँ टिल दैट एन आइडिया बिलीव इज़ मिस्टेकन मतलब जो है तुम सब सुनो वन फॉल स्टेप इज नेवर रिट्रीव्ड मतलब अगर तुमने एक गलत कदम लिया तुम उसे वापस नहीं ले सकते एंड बी विथ कॉशन बोल्ड और इस बात को हमेशा याद रखना नॉट ऑल दैट टेम्प्स योर वंडरिंग आइट्स एवरी थिंग जो आपकी आंखों को बहुत टेम्प्ट करता है आपको लगता है यार ये मेरे पास क्यों नहीं है एंड हीडलेस हार्ट्स हीडलेस का मतलब क्या होता है केयरलेस हार्ट्स तो मतलब जिनको लगता है अरे हम तो बिंदास जिंदगी जी रहे हैं इज लॉफुल प्राइज नॉट ऑल दैट ग्लिसर्स इज़ गोल्ड मतलब हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती हर अच्छी दिखने वाली चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती हमारे लिए जो सही है वो हमारे साथ होगा हो ही होगा अगर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं

अपरेंस को देख के जो है तुम जो है भ्रमित मत हो यू should लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट अ लेसन और इस इंसिडेंट से तुम्हें एक लेसन सीखना चाहिए एंड द लेसन इज दैट वन सिंगल फॉल स्टेप टेकन बाय अ मेडन कैन डू ग्रेट हार्म हर बिकॉज इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड अब वो ये कह रहे हैं कि आपसे अगर एक गलती हुई ना तो आप आपको उसकी वजह से लाइफ में बहुत बहुत झेलना पड़ेगा क्योंकि एक रॉन्ग स्टेप को आप वापस नहीं ले सकते यू शड डेवर एक्सरसाइज केयर वेन वेंचरिंग अपॉन एनी बोल्ड एंटरप्राइज इसलिए कभी भी कोई बड़ा काम करने से पहले हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए यू शुड नो दैट एवरी थिंग विच यू इज़ नॉट अ लेजिटमेट कमोडिटी फॉर योर सीख तुम्हें पता होना चाहिए हर चीज़ जो तुमको इंटरेस्टिंग लगती है तुम्हें लगता है यार ये मेरे पास होनी चाहिए वो इतनी सही नहीं है कि तुम्हारे साथ हो Your eyes keep looking around you for desirable items, and your hearts do not care enough. तुम्हारी जो आइज़ है वो डिजायरेबल आइटम्स को ढूंढती रहती है और तुम्हारा जो दिल है वो कैरी नहीं करता यू शुड नो दैट एवरी थिंग विच हैज़ अ ब्राइट एंड शाइनिंग अपेयरेंस इज नॉट गोल्ड सो यू शुड नो दैट हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती एवरी थिंग दैट ग्लिस इज नॉट गोल्ड एवरी थिंग दैट यू फील दैट यू शुड हैव इट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स गोइंग टू बी राइट फॉर यू सो डोंट जस्ट रन बिहाइंड थिंग्स जिसमें आपको नहीं पता कि वो आपके लिए सही है या गलत है ओके okay? अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो हम पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि निम्प और निरिथ जो होते हैं ये ग्रीक माइथोलॉजी में क्रिएचर्स हैं निम्स जो हैं वो फीमेल नेचर स्पिरिट्स हैं और निरॉइड्स जो थे ये सी निम्प थे जो कि मतलब ये मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं स्पिरिट्स होती हैं जो कि आपको जब अगर आप सेल कर रहे हो अगर आप भटक गए तो आप में आपको हेल्प करती है ओके नाउ टेल मी क्विकली आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया बिकॉज इफ़ यू हैव अंडरस्टड द एक्सप्लेसन एन वॉट यू गोइंग टू डू यू आर गोइंट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो हम ऑलरेडी जो है नाइन्थ ये हमारा नाइन्थ चैप्टर चल रहा है सो so, अगर आपको फर्स्ट तरह के एट चैप्टर तक में कोई भी चैप्टर व्यू करना या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पर्टिकुलर वीडियो देखना है सो इट्स वेरी ईजी यू कैन जस्ट विजिट अवर वेबसाइट मैग्नेट्रींस डॉट कॉम एंड हियर वॉट यू हैव टू डू इस पहले आपने क्लास सेलेक्ट किया उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड इधर पे आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज आ जाएंगे एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड योर वीडियो विल स्टार्ट नाउ दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड द वे फाइंड द वीडियोज दैट वी हैव प्रिपेयर फॉर यू क्रिएटेड फॉर यू आपको यूट्यूब पर भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे बट इट्स मच मोर इजियर टू फाइंड देम ह्यूम बिकॉज आपके पास एक क्यूरेटेड लिस्ट है ओके okay? And now once again now it's your responsibility to like subscribe and share to our channel bye bye